भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88 यानी दंतेवाड़ा, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, इसके उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शामिल जिले दंतेवाड़ा और नारायणपुर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार दंतेवाड़ा में 23 सितंबर को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन दाखिला 4 सितंबर से शुरू होगा। विधानसभा क्षेत्र में कुल 273 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से यथासंभव 5 संगवारी मतदान केंद्र और 5 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कम से कम एक मतदान केंद्र दिव्यांग शासकीय कर्मियों द्वारा संचालित होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और पोस्टल बैलेट के द्वारा विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा के कुल 256 सेवा मतदाताओं को मतपत्र जारी किए जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सहायता केंद्र होगा। निर्वाचन में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट का भी उपयोग किया जाएगा। सीईओ सुब्रत साहू ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूर्ण कर लिए जाने की जानकारी मीडिया को दी। निर्वाचन कार्यक्रम इस प्रकार है, अधिसूचना का प्रकाशन 28 अगस्त से है, अर्थात फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन वही रहेगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर है। नामांकन पत्रों की समीक्षा अर्थात स्क्रूटिनी 5 तारीख है। नाम वापसी की तिथि 7 तारीख है, 2 दिन का समय, और कैंडिडेट्स का फाइनलाइजेशन 7 सितंबर को हो जाएगा। मतदान की तिथि 23 सितंबर है। मतगणना की तिथि 27 सितंबर है, और जो अंतिम डेट जिसके पहले निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होंगे वो है 29 सितंबर। इस विधानसभा क्षेत्र में अर्थात दंतेवाड़ा में कुल 273 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से यथासंभव 5 संगवारी मतदान केंद्र जो महिला मतदान केंद्र होंगे और 5 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कम से कम एक मतदान केंद्र PWD अर्थात दिव्यांग शासकीय कर्मियों द्वारा संचालित होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और पोस्टल बैलेट ETPVS के द्वारा विधानसभा क्षेत्र 88 दंतेवाड़ा के लिए कुल 256 सेवा मतदाताओं को मतपत्र जारी किए जाएंगे। अभी तक की स्थिति में विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा में मतदाताओं की वर्तमान संख्या 1,88,263 है। विगत विधानसभा निर्वाचन 2013 में मतदान का प्रतिशत 62.03% और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 60.67% था। दंतेवाड़ा के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। निर्वाचन के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था भी की जा रही है। विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च में लगाए गए समस्त होर्डिंग और प्रचार सामग्री हटा दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।